कोटि नमन करते हुए जितने भी हमारे समाज के बड़े बड़े महर्षि हुए हैं उन सबको नमन करते हुए और जो विभिन्न संगठनों से हमारे पदाधिकारी आए हैं उन सबको आप सबको क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय दुर्गादास जी। दलित और माइनॉरिटी जिसके साथ जुड़ गए उसी ने राज किया, तो ताकत हमारी राज दूसरे कर रहे हैं। उसमें गलती हमारी है कि हम लोग दूसरे के पिछले को बन जाते हैं। राज दूसरे कर रहे हैं तो कम से कम करें, लेकिन हमारा ड्यू रेस्पेक्ट, जो ड्यू प्रतिनिधित्व है, जो हमारा हक है, कम से कम वो तो हमें दे दें। तो इन आप क्या सजेशन देते हैं, क्या हमें रणनीति बनानी चाहिए कि हम लोग अपने लोगों को एकजुट कर सकें, एक साथ इकट्ठा कर सकें, वो अपनी संस्थाओं को चलाते रहें, अपनी प्रतिनिधित्व करते रहें अपनी संस्थाओं का। हम ये नहीं कह रहे संस्थाएं बंद कर दें, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते रहें, लेकिन क्या ये विभिन्न जातियों का समूह बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर अपनी जाति अम्बेडकरवादी कर सकता है या नहीं, एक तो ये सवाल है। कोई हमसे पूछे क्या जाति है अम्बेडकरवादी, हर कॉर्नर से आवाज है अम्बेडकरवादी, तो हमारी ताकत एकजुट हो जाएगी। तो आज की मीटिंग का जो एजेंडा है वो मुख्य रूप से यह कि जो विभिन्न संगठन पूरे दिल्ली में काम कर रहे हैं उन संगठनों को किसी तरीके से एक धागे में पिरोने की शुरुआत, एक कोशिश है, एक प्रयास है। उस प्रयास में कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन हम सच्चे मन से कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है प्रयास भी सफल होगा। हमारे प्रयास में अगर सच्चाई नहीं होगी, छल कपट होगा, व्यक्तिगत नेतागिरी को उभारने का इच्छा होगी, तो हमारा ये प्रयास फेल होगा। और अगर हमारा प्रयास ईमानदारी से परिपूर्ण होगा, इस समाज को एकजुट करने का होगा, तो मुझे लगता है ये प्रयास हमारा सफल होगा। तो एक तो इस पर सलाह दें आप, पहला एजेंडा कि कैसे सबको एकजुट किया जाए, विभिन्न जातियों को जो अनुसूचित जाति में आती हैं, बल्कि अनुसूचित जनजाति के लोग भी अगर आते हैं उनका भी स्वागत है, तो इनको सबको कैसे एक धागे में पिरोए, एक मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा होगा कि सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, ऐसे कौन से काम सरकार को करने चाहिए जिससे हमारे समाज को लगेगा कि ये दूसरों से हटके हमारे समाज के विकास के लिए ईमानदारी से कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो रूटीन उसी तरह है जैसे दूसरी पार्टी चल रही है, ऐसी ये चल रही है, लेकिन हमारे लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व मिले, हमारे लोगों को के लिए कुछ विशेष योजना बन के काम हो, तो किसी हर किसी के मन में हर संस्थाओं के पास कुछ ना कुछ योजना है कि सरकार को इन योजनाओं पर काम करना चाहिए। तो अगर वो सजेशन आपके आते हैं तो वो सजेशन भी हम नोट करके सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये मीटिंग सरकार की नहीं है, ये मीटिंग हमारे समाज की है। वो तो इसलिए कह रहे कि मौका है कि हम लोग बैठे एक साथ बैठे हैं, तो कुछ लोगों के पास विचार जरूर होंगे कि कैसे हम लोग सरकार से अपनी मांगे मनवा सकते हैं। धरने प्रदर्शन करके सरकार से मांगे करते रहे एक आध मांग पूरी होती है 5 साल में। एक होता है कि आप अगर सजेशन दें तो जो कुछ हमारे बस की बात है उसको तो कम से कम हम तुरंत उस पर काम करना शुरू करें, वो चीजें लागू हों। कुछ काम हमने सोचा है जो हम करने वाले हैं, लेकिन चूंकि राजनीतिक मीटिंग नहीं है, ये एक समाज की मीटिंग है, सारे संगठनों को एकजुट करने की मीटिंग है, इसलिए हम यहाँ राजनीति की बात ना करके समाज की बात करें, लेकिन अपने मुद्दे जरूर बताएं ताकि हम सरकार को भी घेरने का काम करें इन मुद्दों पर, हमारे लोगों की इन मुद्दों पर आप काम कीजिए। तो ये दो मुद्दे हैं जिस पे हमने बातचीत करनी है, और आज इस सभा के लिए मैं निवेदन करता हूँ, जय भगवान जाटव जी हमारे वरिष्ठ हैं, इनको इस सभा की अध्यक्षता करवाते हैं, और मंच संचालन की जिम्मेदारी डॉक्टर सीपी सिंह जी करेंगे, मेरा इनसे निवेदन है। और जो विचार आ रहे हैं आएंगे, मनोज उन विचारों को नोट करने का काम करें, और हमारे बाकी साथी जो कोर कमेटी के लोग हैं पीछे, ये लोग सबसे उनके नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, संस्थाओं के नाम और उनके पद क्या किस किस पोस्ट पर है उसको कलेक्ट करने का काम करेंगे। अब मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर सीपी सिंह जी से, वो विधिवत सभा का संचालन करें।